देख रहे हैं इंडार्क राजकुमार के साथ। इंडार्क में आज की कहानी हमारे साथ शेयर की है तुषार जी ने। तो सबसे पहले तुषार जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद अपनी कहानी हमारे साथ शेयर करने के लिए। दोस्तों, अगर आपके पास भी ऐसी ही कोई कहानियां हैं तो हमारे साथ जरूर शेयर करें हमारे इंस्टाग्राम आईडी पर। इंस्टाग्राम आईडी है network_33, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। ऐसी ही और वीडियोस के लिए देखें network33। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। नानी जी बताती हैं कि ये तब की बात है जब वो अपने माँ बाबा और भाई के साथ ट्रेन से वापस घर लौट रहे थे। यूं तो सब ठीक ही चल रहा था, मगर जब देर रात ट्रेन कहीं किसी गांव के बाहर रुकी तो उस वक्त वो सभी खाने की तैयारी कर रहे थे। अभी बस वो खाना शुरू ही करने वाले थे कि उनकी नजर बोगी के बाहर खड़े एक बुजुर्ग पर पड़ी जो उनसे खाना मांग रहा था। नानी जी की माँ बहुत ही दयालु थी तो उनसे देखा नहीं गया। उन्होंने दो चार रोटी और सब्जी खिड़की से उस बुजुर्ग को थमा दी। वो बुजुर्ग वहीं ट्रैक पर ही बैठकर खाना खाने लगा। खाने के बाद उस बुजुर्ग ने पानी मांगा तो नानी की माँ ने पानी की बोतल भी खिड़की से थमा दी। पानी पीने के बाद उस बुजुर्ग ने घर की ओर इशारा करते हुए कहा, मेरे घर छोड़ दो। बुजुर्ग की हालत कुछ खास अच्छी नहीं थी, जिससे जाहिर था कि उसे सच में मदद की जरूरत है। लिहाजन नानी जी के भाई बोले, ठीक है, मैं इन्हें छोड़कर आता हूँ। ये बोलकर वो ट्रेन से उतरे। उस बुजुर्ग को सहारा देते हुए वो उन्हें उनके घर की ओर ले जाने लगे। पीछे से नानी जी ने आवाज देते हुए कहा, जल्दी आ जाना भैया, ट्रेन कभी भी खुल सकती है। इस पर वो बोले, हाँ हाँ, बस अभी आता हूँ। वो अभी उस बुजुर्ग को लेकर कुछ दूर गए ही थे कि उन्हें लगा कि उस बुजुर्ग का रंग अब बदल गया है। साथ ही उस बुजुर्ग की हाइट अब बढ़ने भी लगी थी। उन्होंने तुरंत ही उस बुजुर्ग का हाथ छोड़कर वहां से भागना चाहा, मगर उस बुजुर्ग ने, जो अब एक बड़े ही भयानक राक्षस में बदल गया था, उसकी गर्दन पकड़ ली थी। नानी के भैया अब छटपटा रहे थे। वहीं नानी की नजर अभी भी अपने भाई पर ही थी, हालांकि वो ट्रेन से काफी दूर थे और वहां अंधेरा भी था। मगर नानी जी को कहीं ना कहीं ये एहसास हो गया था कि उनके भाई किसी मुश्किल में है। नानी जी ने अपने बाबा से कहा, बाबा देखो ना, भैया काफी देर से वहीं खड़े हैं, उन्हें तो अब तक लौट आना चाहिए था। मगर बाबा को बाहर कोई दिखाई नहीं दे रहा था। मगर नानी नहीं मानी और बाबा और उनके साथ दो लोग देखने के लिए ट्रेन से उतरे। और जब वो उनके पास पहुंचे तो उन्होंने पाया कि वो सफेद राक्षस उनके बेटे को घसीटे जा रहा है। वो तीनों हल्ला गुल्ला करते हुए उस राक्षस पर झपटे। पहले तो उस राक्षस ने उन तीनों पर भी एकदम से हमला किया, मगर जल्दी ही वो वहां से भाग गया। उस राक्षस से पीछा छूटने के बाद जब बाबा ने अपने बेटे की ओर देखा तो पाया कि उनकी एक जांघ का आधा मांस खाया हुआ है, जिस वजह से खून काफी बह चुका था और वो बेहोश थे। उन्हें तुरंत ही पास के हॉस्पिटल में भर्ती करवाया। उनकी जान तो बच गई, मगर उनका घाव कई सालों में भरा। बाद में पता चला कि वहां उस जगह पर बहुत सी ऐसी ही लाशें मिली हैं जिसे देखकर ऐसा लगता है कि किसी जानवर ने खाया हो। वो जगह रात के वक्त बिल्कुल भी ठीक नहीं है। उस दिन मदद के कारण उन पर ये मुश्किल आई। मदद करने तक तो ठीक था, मगर जब बात उस बुजुर्ग को घर छोड़ने की थी तो उन्हें अकेले नहीं जाना चाहिए था। अकेलेपन का तो कोई भी गलत फायदा उठा सकता है। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। कहानी आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर करें और साथ ही हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो मैं आपका दोस्त राजकुमार जल्द ही मिलूंगा आप ही की भेजी एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।